हेलो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और फाइन शेयर होंगे। जैसा कि तुमने रिश्ते आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मम्मी के घर दावत, जिसमें हमने सेलिब्रेट की मेरे बेटे की प्री बर्थडे। और आप लोगों को ये वीडियो को फुल वॉच करनी है क्योंकि मैंने लास्ट में जो है अपने बेटे का फेस रिवील भी किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बेटा माशाल्लाह कैसा लगता है। तो चलिए जी अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं बना रही थी चिकन हरी मिर्च, क्योंकि जो सारा खाना था वो मैंने खुद बनाया था अम्मी के साथ मिलकर। हाँ, मैंने एक चूल्हे पे जो है वो चिकन हरी मिर्च बनाने शुरू कर दी थी और दूसरे चूल्हे पे मैंने चिकन सूप के लिए जो है वो यखनी बॉयल करना शुरू कर दी, ताकि जल्दी जल्दी सूप भी बनता जाए और खाना जो है वो वक्त पे तैयार हो जाए। चिकन हरी मिर्च बिलीव में इतनी ज़बरदस्त बनी थी, सबको बहुत अच्छी लगी। और बाकी जो रोल की और ब्रोस की जो तैयारी थी, ब्रोस भी मैंने बनाए थे और रोल भी बनाए थे, उसकी तैयारी जो है मैंने एक दो दिन पहले कर ली थी। उसको जो है वो मैंने फ्रीज़ कर लिया था मैरिनेट करने के बाद। सिर्फ ब्रोस को फ्राई करना था और रोल को फ्राई करना था। अगर हमारे घर में कोई दावत हो और अगर हम जो है वो 2 से 3 दिन पहले प्रिपरेशन करना शुरू कर दें कुकिंग की, तो एट अ टाइम जो है वो हमें अपनी आप की तैयारी पर भी टाइम मिल जाता है। और हम कोई डेकोर वगैरह अगर करना हो, छोटी मोटी बर्थडे पार्टी हो, तो वो भी इजीली हो जाती है। और यहाँ मैंने जो है वो दूध की मलाई भी ऐड कर दी चिकन हरी मिर्च में, क्योंकि इससे जो है वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता होता है चिकन हरी मिर्च का। और ये मेन इंग्रेडिएंट है मलाई और दही। आगे आप लोगों से इंशाल्लाह बहुत कमिंग वीडियोज़ में रेसिपी भी शेयर कर दूँगी अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो। और यहाँ जो है वो डेकोरेट कर रहे हैं मैं और मम्मी, जल्दी से हम लोगों ने खाना तैयार किया और फिर फटाफट से जल्दी से जो है वो सोचा कि थोड़ा सा छोटा सा सेटअप लगा लें, ताकि जो है मेरा बेटा खुश हो जाए कि बर्थडे के लिए जो है वो डेकोरेशन हुई है। तो हल्की फुल्की सी लाइटिंग लगाई, थोड़ा सा बैकग्राउंड लगा दिया और ग्रीन जो है वो मैंने थीम रख ली थी कि मैंने और मेरे बेटे ने और मेरे बेटे के बाबा ने जो है वो सेम कलर ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था, तो फिर इसी हिसाब से मैंने थोड़ी जो है वो डेकोरेट कर दिया। और जो है सबको अच्छा लगा कि छोटे से सेटअप में भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी बर्थडे पार्टी हो गई। और जो है यहाँ पर मेरी मामी जो कि दुबई से आई हैं, वो भी आके जो है वो सेलिब्रेट बनाना शुरू हो गई थी। इसके बाद जो है वेलकम में हमने, जब सब मेहमान आ गए, सब गेस्ट आ गए, इसके बाद हमने जो है वेलकम में सूप रखा, ताकि जो सूप को सब इंजॉय कर सके। अगर खाने के साथ ही अगर हम सूप को रखेंगे, सर्व करेंगे, तो वो पेट भरा भरा रहेगा और खाना सही से खाया नहीं जाएगा। तो इसलिए हमने खाने से जो है वो 20 से 25 मिनट्स पहले जो सूप सर्व कर दिया। फिर सूप पीते ही जल्दी से हम लोगों ने जो है वो डिनर की तैयारी करना शुरू कर दी, सारी डिशेज़ वगैरह बननी शुरू कर दी, क्योंकि उसमें भी जो है वो टाइम लग जाता है जब चीज़ें ज़्यादा हों तो। तो और ये जो ब्रोस आप लोग देख रहे हैं, ये देखें कितने ज़बरदस्त से ब्रोस हैं। और ये जो फिश है ये बाजार की थी, और सर्दियाँ हो और सर्दियों में अगर फिश हो और वो भी टेस्टी और चटपटी सी थी हो, तो फिर क्या ही बात है। तो जो फिश थी वो बहुत ही ज़बरदस्त सी यमी सी टेस्टी सी थी, जस्ट वाओ फिश। और यहाँ मेरी बड़ी मम्मी जो है वो गाजर के हलवे पे गार्निश कर रही है बादाम पिस्ते काजू को, ताकि जो उसका टेस्ट है वो अच्छे से डेवलप हो। और यहाँ नान और चपाती भी जो है वो आ चुके थे, और ये बिरयानी भी मैंने बनाई है और बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत ही झटपट बन जाती है। सिर्फ गाजर का हलवा और जो फिश थी वो बाज़ार से आई थी, बाकी जो खाना था वो घर में हमने खुद तैयार किया था, और मैंने और मम्मा ने मिलकर तैयार किया था, जिसमें मेरी मदर इन लॉ ने भी हमारी बहुत हेल्प की थी। और यहाँ पे जो है वो माशाल्लाह से मेरे बेटे का प्री बर्थडे का केक भी हमने जो है वो कस्टमाइज़ करवाया था। और यहाँ अभी आप लोग देखेंगे मेरे बेटे को भी कि बिल्कुल देखें ग्रीन केक और ग्रीन ड्रेस। और ये लीजिए मेरे बेटे से भी आप लोग मिल लीजिए, और कैसा लगा आप लोगों को मेरे बेटे से मिलकर, प्लीज़ से माशाल्लाह। और आगे देख सकते हैं आप लोग ये केक का क्या हशर हुआ है। केक भी हम लोगों ने माशाल्लाह से फिनिश ऑलमोस्ट कर लिया था, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सा केक था। आई होप आप लोगों को मेरे बेटे का प्री बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरे बेटे से मिलकर भी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करके, शेयर करके और अच्छे से कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।